रायबरेली गुरुबख्शगंज रायबरेली जनपद में अपराधियों ने एक बार फिर रायबरेली पुलिस को चैलेंज करते हुए जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आए दिन मिल रहे शोक जिला थर्रा उठा। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के बड़े गांव में आज मंगलवार की सुबह हड़कंप उस समय मचा जब गांव के बाहर खेत में खून से लथपथ महिला का शव मिला। मृतक महिला की पहचान संगीता के नाम से हुई, जो उन्नाव जिले के छोटी खेड़ा गुलाबीपुर थाना मोरावा की निवासी। उच्च अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच रही है। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 3 जिला संवाददाता रायबरेली। क्या नाम है आपका? हमारा कल्लू नाम है। जो ये भीड़ लगी है, क्या है मामला? मामला ये हमको नहीं पता सर, क्योंकि ये शाम को कल आए थे। ये कौन है आपकी? ये हमारे भाई लगते हैं, वो भी चाचा पित्त में। क्या नाम है इसका है? क्या नाम है इसका? इसका नाम इनके घर के लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर। आप लोग कहाँ? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? छोटी खेड़ा। छोटी खेड़ा जी सर। इसके हस्बैंड का क्या नाम? उसके हस्बैंड का नाम था शत्रुघ्न है। नहीं, पहले एक 5-6-7 महीने पहले ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, तो ये कल कहाँ गई थी? ये कल इधर बैंक में आए थे पैसे निकलवाने, तो बैंक से वापसी ये आदमी घर में सोचा तो चलो मायके चले गई होगी। मायका कहाँ है इसका? मायका इधर रामपुर पड़ता है। रामपुर जी। वहाँ से सोचा हम लोग मायके चले जाएंगे, मगर हमारे भाभी ने जा रहे थे लालगंज मंडी करने जी। हसीना नाम है, और यहाँ पर देखे उनको पड़े हुए, तो कहने तो हमारे गांव घर के परिवार की औरत है जी। तो फोन करवाया वहाँ पे, हम लोग के पास फोन पहुँचा घर से, तो हम लोग भागते हुए गांव से। ये आपका नाम छोटी खेड़ा जी सर? ये किस ग्राम पंचायत में लगता है? ये मोरावा जिला उन्नाव पुरवा। ग्राम पंचायत कौन सी है? जिला पंचायत सर हमको नहीं। ग्राम पंचायत मवई है, गालू गालीपुर है? नहीं, मौजा गालीपुर है, डाक खाना मवई है। ये थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र में एक महिला जो कि मूल रूप से उन्नाव के थाना मोरावा क्षेत्र की रहने वाली है, कल वो अपने घर से निकली थी और घर नहीं पहुंची, तो उनके घर वालों ने इनकी खोज की, फ़ोन पे इनके कॉल किया, बट फ़ोन पे कोई रिप्लाई नहीं आया। आज सुबह 112 के माध्यम से ये सूचना मिली कि गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के मंडे गांव में इनकी डेड बॉडी मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अब तक की पूछताछ और जानकारी में कुछ संदिग्ध लोगों के नाम आए हैं, जिन पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा।